गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर कॉमन मॉर्निंग सेशन। बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है आज। सो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम यहाँ पे अगर हमारा सेशन शुरू करते हैं। सो आज का सेशन जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग अबाउट हेयर रिलेटेड जो जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है उसके लिए मैं इन्वाइट करता हूँ डॉक्टर रोहिणी अजय कापसे ऑन द स्क्रीन। डॉक्टर रोहिणी कापसे, thank you sir, thank you. Good morning, thank you for inviting me. आज आपण जसं मागे आपली विशाल सरांची चर्चा झाली, सर मराठी हिंदी? हिंदी इज बेटर. ओके सर, ओके। जैसे कल विशाल सर से बात हुई थी तो रिलेटेड हेयर हम आज डिस्कशन करेंगे। बेसिकली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हेयर के बारे में है वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी, राइट? मैंने मतलब हेयर कैटेगरी में मेरे हस्बैंड को सबसे पहले थोड़ी सी तकलीफ हुई, उसके बाद मैंने उसमें काम करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद में लास्ट ऑलमोस्ट 5 मंथ्स प्लस हो गए, माय पर्सनल पीवी इज 2000 प्लस बिकॉज ऑफ हेयर रिटेलिंग। आवाज कम आ रहा है क्या? मेरा वॉल्यूम लो ऐसे आ रहा है सर? आवाज ठीक आ रही है मेरी या? यस यस, परफेक्ट है मैडम, परफेक्ट है, परफेक्ट। अच्छा, किसी ने मैसेज डाला है वॉल्यूम लो, उनका वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। ओके सर, ओके। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल गो फॉर द पीपीटी और फिर उसके बाद में उसके साथ ही मैं आपसे चीजें शेयर करती हूँ। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? साउंड और स्क्रीन? यस यस, दिख रही है, दिख रही है। ओके ओके, सो बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो हेयर केयर सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे हेयर चैलेंजेस हमें डे टू डे लाइफ में जो है दिख रहे हैं, राइट? सो उसे हम कैसे ओवरकम करें, उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में हम बेसिकली अभी बात करेंगे। ओके, तो पहले समझ लेते कि हेयर क्या है। एग्जैक्टली हेयर क्या है, थोड़ा अगर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाऊंगी पहला, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता चल जाएगा तो आपको उसके अंदर काम कैसे करना है वो इजीली समझ में आएगा। ये हमारा बालों का स्ट्रक्चर होता है, ये स्किन है, ये हमारा बाल है, राइट? हमारे ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस से ज्यादा हमारे हेयर स्ट्रैंड होते हैं, ओके, एवरेजली। और हम जब माँ के पेट से आते हैं तभी हमारे हेयर फॉलिकल्स फिक्स हो जाते हैं कि कितने हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स, राइट? अभी ये जो बाल है इसके दो पार्ट्स, मेजर पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जड़ बोलते हैं हम इसे, हेयर फॉलिकल या जड़ बोलते हैं, और ये जो है ये हमारे बाल होते हैं, राइट? अभी इसमें जो देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये अलाइव है, जिंदा है। मतलब अगर मैं आपके बाल ऐसे खींचूंगी तो आपको दर्द करेगा, राइट? मगर आपके बाल अगर मैं ऐसे काटूंगी तो दर्द नहीं करेगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, एक मिनट हाइलाइटर यूज करती हूँ, कहाँ पॉइंट करना है इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो अलाइव है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है। ये जो पार्ट है अगर हम बाल काटते हैं तो समझ में नहीं आता है। मतलब बालों के दो जो अलग अलग पार्ट होते हैं उस हिसाब से उसका जो ट्रीटमेंट का काम है वो भी अलग अलग होता है। मतलब वहां पे जो हमें काम करना है वो भी अलग होता है, राइट? और ये बालों का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, मतलब बाल तीन लेयर में बनता है, बाहर वाला कवरिंग, बीच वाला, जैसे अपने कोई भी वायरिंग रहती है ना, ऊपर वाला इंसुलिन का कोटिंग रहता है और बीच में तार रहते हैं, उसी हिसाब से हमारे बाल भी रहते हैं। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो कि ये जो आउटर कवरिंग है ये हमारे बालों के अंदर वाले जो लेयर्स है दोनों उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारे बाल मेजरली केराटिन से बने हुए होते हैं। 1 सेंटीमीटर ही बाल हमारे ग्रो करते 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर।
ग्रो करते हैं। और अगर आपके बाल हेल्दी है तो कैसा पता चलेगा कि वो शाइनी है तो वो हेल्दी है, कैसे मैं आपको आगे बताती हूँ। ये जो हमारे बालों का जो लेयर है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये जो बाहर का आउटर कवरिंग है ना, ये मछली के ऊपर जैसे छिलके रहते हैं ना उस हिसाब से होता है, या फिर प्याज के ऊपर के छिलकों के जैसे, ये अलग अलग ऐसे छिलके होते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अगर आपके जो बाल है अगर वो खराब है, वो वीक है या टूट रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ आ गया, क्योंकि ये जो सबसे बाहर वाला कवरिंग है हमारे बालों का, ये अगर प्रॉपर है तो आपके बाल जो है वो लाइट फर्स्ट डिफेंस है हमारे बालों का। सबसे पहले जैसे हम आंखों में अगर कचरा जाने लगा आंख तुरंत बंद कर लेते हैं और कचरा अंदर नहीं जाने देते, वैसे ही ये हमारे बालों का पहला यहाँ पे सोल्जर है जो बालों को डैमेज करने से रोकता है, आउटर कवरिंग उसे बोलते हैं। अगर ये हेल्दी है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब अगर आपके बाल शाइनिंग है इसका मतलब आपके बाल हेल्दी है। अगर आपके बाल शाइन नहीं कर रहे, ड्राई फ्रीजी दिख रहे हैं, अनहेल्दी लग रहे, मतलब यहाँ से डैमेज शुरू होना चालू हो गया। हम क्या क्या बेसिक केयर कर सकते हैं, सबसे पहला हमें रोज बालों को कंघी करना है एंड तक। लोग यहाँ पे करते नीचे नहीं करते, यहाँ पे जब हम बालों को कोम करते कंघी करते तो जो हमारे बालों का नेचुरल ऑयल होता है वो हर जगह पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। और दूसरी चीज है कि वहां उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी हमारे बालों का बढ़ता है। सो डेली हेयर कोम करना चाहिए, मगर फ्रीक्वेंसी कम रखिए, मतलब हमेशा साथ में कंघी और करते रहेंगे तो वो ये जो हेयर स्ट्रैंड इसको डैमेज करेगा। दिन में 2-3 बार कंघी करते कोम करते तो इट्स ओके, मगर आप दिन में अगर समझो 15-20 बार कंघी कर रहे हैं तो आप आपके ही बालों को डैमेज कर रहे हैं। ओके, हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए हमारे बालों को विद शैम्पू एंड कंडीशनर। कंडीशनर यूज करना ही चाहिए, इट इज अ मस्ट। कंडीशनर ये जो खुला हुआ है ना सारा, इसको इंटैक्ट करने में मदद करता है। सो कंडीशनर इज अ मस्ट। और बालों को ऑयलिंग भी करना चाहिए क्योंकि उसका नरिशमेंट मिलना चाहिए। गर्म पानी कभी भी नहाते समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हम पानी पीने के लिए जितना गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं ना, वैसे पानी से हमें बालों को बालों पे नहाना है। ऐसे नहीं है कि जैसे हम बदन पे जितना गर्म पानी डालते हैं एकदम उबला हुआ एकदम गर्म पानी, वैसे हमें नहीं डालना है। गुनगुना पानी हमारे बालों के लिए डालना है, नहीं तो ये आपका जो बालों के अंदर का जो नेचुरल ऑयल है वो सारा निकल जाएगा और फिर आपको आपको लगता है अरे बाल ऐसे ड्राई क्यों हो गए धोने के बाद में, मैंने तो ऑयलिंग किया था। तो इस वजह से होता है। आपको आपके जो भी कंघी है जो भी हेयर टूल्स है वो आपको क्लीन करना चाहिए आफ्टर एवरी वॉश, बिकॉज अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू किया डैंड्रफ के लिए या कोई चीज के लिए और आपका वही कोम आप बाद में भी यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर जो लगा हुआ जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है वो वापस से आपके बालों में आ जाएगा। आपने वॉश किया सारा निकालने के लिए, मगर वो वापस से आ जाएगा। इसीलिए हेयर जो कॉम है हमें उसे भी रेगुलरली क्लीन जो है वो करना चाहिए जब भी आप हेयर ट्रीटमेंट शुरू करते हो। ओके, कॉम शेयरिंग भी अवॉइड करना चाहिए। जनरली घरों में ऐसे देखा जाता है कि मम्मी को हुआ तो बेटी को भी हुआ, सबको डैंड्रफ हो गया, राइट। सो इसकी वजह एक ही है, बेसिक बहुत होती है कि हमारा जो कॉम है वो सबका सेम होता है। सो अगर आप ये डिसिप्लिन डालोगे कि हर एक का अलग है तो हेयर प्रॉब्लम्स भी घर में शेयर होना मेजोरिटी जो है कम हो जाएंगे। बाल जब गीले है या ऑयलिंग की हुई है उस समय बालों को ज्यादा जो है हमें कॉम जो है वो करना नहीं है। क्यों? उस समय बाल जो है वो वीक होते हैं, वो 50% तक आपके बाल स्ट्रेच हो सकते हैं। और अगर आपके बाल डैमेज्ड हेयर है तो जो स्ट्रेच हुआ है वो वापस से जाएगा नहीं उसके लेंथ पे, और आपके बाल जो है वो टूट जाएंगे, आपके हेयर खराब हो जाएंगे। इसीलिए मेजरली हमें वाइड कॉम टूथ जो है वो यूज करना है, मतलब बड़े दांतों वाला जो है वो यूज करके हमें पहले बाल डिटैंगल करने चाहिए एंड देन रेगुलर कॉम वी शुड यूज। सैटिन पिलो कवर अगर हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज वेरी गुड फॉर आवर हेयर, बिकॉज हम जब कॉटन पिलो कवर यूज करते हैं तो हमारे बालों का जो नेचुरल ऑयल है
वो या आपने ऑयलिंग ले वो सारा जो है वो पिलो के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, आपके बाल ड्राई स्टिकी फ्रीजी हो जाते हैं राइट। और अगर जैसे हम सबको पता है एक्सरसाइज इज मस्ट अर्न ईएआर, एंड एक्सरसाइज में योगा जो है, ये कुछ योगा के पोजेज मैंने दिखाए हुए, अगर आप ये करते हैं तो आपको जो हेयर प्रॉब्लम है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बाल जो हेयर ग्रोथ है आपकी वो अच्छी आनी शुरू हो जाती है। ये कुछ बेसिक केयर है जो हम कर सकते हैं राइट। उसके बाद में हमारे हेयर के प्रॉब्लम्स है, अलग अलग हमारे जो है बालों के जो है वो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे राइट। जैसे कुछ मैंने यहाँ पे डाले हैं, कुछ हेयर प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे डाले हैं कि ड्राई डैंड्रफ है ना, या स्प्लिट एंड्स है, या फिर ड्राई हेयर है, हेयर फॉल ज्यादा हो रहे, फ्रीजी हेयर है, मतलब ऐसे बाल मराठी में बोलो तो सुतड़न सरके के सर रफ ओके। प्रेगनेंसी के बाद में, या फिर आपको ज्यादा प्रेशर वाला जॉब है, या आप हेलमेट यूज करते हो, ऐसे बहुत सारी जगहों पे। और अगर आपको कोविड हो चुका है, ये अभी हॉट टॉपिक है कि कोविड के बाद का जो हेयर फॉल है आफ्टर 2 to 3 months वो हेयर फॉल जो है वो बहुत सीवियर हो जाता है ना, वो होना जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रैंड्स जो है हेयर फॉल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारी अभी हम लोग जो है ये कॉमन हेयर प्रॉब्लम जो है हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। तो ये इनका कारण क्या हो सकता है, क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है हेयर के हो रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम रीजन जो है रीजन कारण है कि हेयर ट्रैक्शन, हम लोग बहुत टाइट लेडीज है तो बहुत टाइट आप पोनीटेल बांधते हो, या फिर चोटी बांधते हो, या फिर हेयर एक्सटेंशन, अलग अलग कलर के हेयर एक्सटेंशन मिलते हैं तो वो लगाते हो, या कुछ भी लगाते हो तो उससे आपकी जो एग्जिस्टिंग बाल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये जो आपका हेयर फॉलिकल है, ये जो मूला है किसान से कि वह हेयर फॉलिकल है, ये जो जड़ है इसके ऊपर तनाव गिरता है और इसकी वजह से वो टूट जाता है राइट। फिर उसके बाद में अगर आप स्विमिंग पूल में जाके आए हो तो आपको तुरंत ही नहाना चाहिए, बिकॉज उसके स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन डाला हुआ होता है जिससे हेयर इमीडिएटली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो तुरंत ही, इसीलिए वहां पे लिखा भी होता है कि बिफोर आफ्टर आप वॉश ले लो, दैट इज द रीजन। सन डैमेज, अगर धूप बहुत ज्यादा है तो उससे भी आपके जो बाल है वो डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए वेयरिंग अ हैट इज प्रेफरेबल जब ज्यादा धूप है। कैप और हेलमेट जब हम पहनते हैं, ये बहुत कॉमन रीजन है, सरकार ने तो कर दिया कि कंपलसरी कि आपको हेलमेट पहना है, नहीं तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। और अभी तो नासिक में रेगुलर भी हेलमेट नहीं पहनते तो भी आपको 2 घंटे का प्रवचन सुनना पड़ता है, सो हेलमेट इज कंपलसरी। अभी ये हेलमेट पहनने के बाद में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जहां पे भी वो उसका फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, यहाँ पे ये एरिया के जो बाल है वो थिनिंग हो रहे, ये एकदम कॉमन प्रॉब्लम जो है हमें वो सामने आ रहा है। अभी ये जो भी मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ इसके सोल्यूशन मेरे पास है, इसीलिए मैं ये सारे प्रॉब्लम बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपको टारगेट ऑडियंस बता रही हूँ कि किन लोगों को हमें अप्रोच करना है या प्रॉब्लम कहाँ पे। हीट स्टाइलिंग फ्रीक्वेंटली, जो भी ज्यादा हीट स्टाइलर ड्रायर है, पर्मिंग है, स्ट्रेटिंग है, हीट अगर आपके बालों को लगा रहे हो तो ये वाला जो मैंने फोटो आपको बताया था यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है राइट। अगर आपका इमोशनल या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तो वहां पे भी हमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हार्मोन प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पे भी नरिशमेंट का प्रॉब्लम हो गया तो हेयर फॉल शुरू हो गया। रेडिएशन कीमोथेरेपी के बाद में हम देखते हैं कि बाल बहुत झड़ गए, बिकॉज उसका जो पूरा उसका जो प्रोसीजर है बालों का, वो बाल उगना, वो उसका मेंटेन करना, झड़ना, ये जो उसका जो पूरा साइकिल होता है वो पूरा साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाता है कीमोथेरेपी की वो हाई ट्रीटमेंट की वजह से। बाद में अगर आप डाइट का प्रॉब्लम है, क्रैश डाइट कर रहे हैं या फिर आप मेस का खाना खा रहे हैं, व्हाटएवर, जहां पे भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आप डाइटिंग कर रहे हो या आपको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो और हेल्दी नहीं खा रहे हो, तो भी डिफिशियंसी होने की वजह से आपके बाल जो है वो झड़ना जो है शुरू हो जाते हैं। अगर बुखार आ गया तो बुखार के बाद में भी, बिकॉज हीट से गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, बुखार के बाद में भी हेयर फॉल होता है, थायराइड टाइफाइड वगैरह भी हो गया, जॉन्डिस हो गया तो भी उसके बाद हेयर फॉल होता है। प्रेगनेंसी है, अगर डिलीवरी के बाद में, या मेनोपॉज है, या प्यूबर्टी है, डिलीवरी के बाद में भी जो बाल झड़ते हैं
वहां पे भी प्रॉब्लम होता है या मेनोपॉज होता है, कोई भी क्रोनिक बहुत पुराना बहुत पुरानी जो अगर आपको बीमारी है या फिर कोई बड़ी सर्जरी हुई है, आपकी बॉडी कोई स्ट्रेस से गई है, तो भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका एच बी कम है, बी ट्वेल्व कम है, किसी को बी ट्वेल्व के इंजेक्शन चालू है, कोई बोलता है खून कम है, पैर दर्द कर रहे हैं, मेरे काल पोटरे दुखता थे, थकवा जाना होता है, ऐसे कुछ है तो, या थायराइड है, इन लोगों में भी हेयर के जो है प्रॉब्लम बहुत नोटिसेबल है। हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है तो भी ये हमें देखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे आपको मैं ये स्ट्रक्चर के थ्रू इतना ही समझाना चाहती हूँ कि ये जो रेगुलर हेयर शाफ्ट हमने देखा था, हेयर फॉलिकल देखा था, जब ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं तो बालों में क्या चेंजेस होते हैं, कहीं कहीं क्या हो जाता है कि यहाँ पे हेयर जो है वो है, फॉलिकल है, मतलब उसकी जड़ है, मगर वो बाहर आ ही नहीं पा रहे, उसके अंदर से जो है वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है, राइट। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे होती कि ये जो हेयर फॉलिकल है, इसका जो ब्लड सप्लाई है वो ही बंद हो गया, आप खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहे हो तो उसका जो ब्लड सप्लाई वो भी बंद हो गया, अगर आप ज्यादा हेयर पुल कर रहे हो वहां पे भी यही प्रॉब्लम हो गया। सो जो ये रीजंस है, इसकी वजह से हमारे बालों में जो है ऐसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए हमें उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। और अभी ये मेल और फीमेल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो है लेडीज में जो है पार्टीशन जो होता है, हमेशा जहाँ पे वो पार्टीशन करते हैं, या मराठी में जिसे बोलते हैं कि हम अपन भांग पाड़तो, राइट। सो वहां पे जो है जहाँ पार्टीशन होती है वहां पे बहुत ज्यादा हेयर थिनिंग जो है लेडीज में दिखाई पड़ती है, वहां पे ही उनका मेजर हेयर चैलेंज आना शुरू हो जाता है, विरल वाला लागले जिते जिते भांग है। और जेंट्स बिकॉज ऑफ हेलमेट एंड मेनी रीजंस, मेल्स में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हेयर थिनिंग होती है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, एज बढ़ने के बाद में भी यहाँ पे जो जेंट्स को माथे के ऊपर जो थिनिंग जो है, जैसे लेडीज को यहाँ पे, जेंट्स को यहाँ पे होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे अगर आपने देखा तो 75% जो है मेल जो है, 75% 100 में से 75% मेल को है बालों की प्रॉब्लम है और 25% फीमेल, मतलब आप टारगेट ऑडियंस सोचिए। मैंने उस दिन भी सेमिनार में बोला था कि मेजर जो मेरे पास भी जो लोग आते हैं वो मेजरली जेंट्स ज्यादा है, और जेंट्स सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं बालों के ऊपर, दिस इज प्रूवन फैक्ट, राइट। सो आपका टारगेट ऑडियंस सबसे पहला जो होना चाहिए, आप समझ पा रहे कौन है, राइट। और ये एक बीइंग रीजन, वन रीजन इज ये भी है कि मेल्स में एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से जो बालों का जो प्रोसीजर होता है बढ़ने का वो बंद हो जाता है, क्योंकि ये भी एक रीजन है मेल्स में ज्यादा होने का। तो इसके पास हमारे ऊपर, हमारे पास इसके लिए जो है वो हमारे पास सोल्यूशन है, राइट। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, तो हम एक ऐसे अशोर ऑयल हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये पर्सनली मैं ये करती हूँ, कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला हमें क्या करना है, एक अशोर हेयर ऑयल का बॉटल लेना है, उसको जो है हमें एक बाउल में या किसी इसमें आप निकाल लो पतीली में, उसके अंदर हमें 15, अगर आपका रेगुलर इन द सेंस नॉर्मल हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आप 10 आंवला भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर ये आपको सीवियरिटी के हिसाब से आप ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है या एक्सपीरियंस है, दोनों भी है एक्चुअली, क्योंकि मुझे जब मैं करती थी तो उससे इतना रिजल्ट नहीं आ रहा था, मगर मेरे हस्बैंड का सबसे पहले जब बालों का तकलीफ हुआ तो उसके बाद में हमने देखा कि बहुत सारा उन्होंने यूज किया था, वो बियर्ड ऑयल वगैरह बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के, डेढ़ डेढ़ दो दो हजार के ऑयल भी यूज करने के बाद भी उनके बालों को कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। ही इज अ डायबिटिक, डायबिटिक लोगों में भी हेयर फॉल का जो है वो प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे फिर मैंने कुछ स्टडीज किया कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, कैसे मैं उनको मदद कर सकती हूँ, बिकॉज तभी लॉकडाउन चालू था, सो बाहर जाना अलाउड नहीं है,
तो मैं उनको कैसे मदद कर सकती हूँ? तब मैंने ये सारी चीजें देखी कि अगर मैंने विटामिन सी कंटेंट बढ़ा दिया, आमला अगर आपने 15 कर दिया, ज्यादा प्रॉब्लम है, पार्टीशन में ज्यादा प्रॉब्लम है या हेयर थिनिंग ज्यादा है, आप आमला को बढ़ा दीजिए। नीम कैप्सूल 10 है, अगर आपको लगता है कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है इन बालों में, तो आप नीम कैप्सूल 10 से 12 तक जा सकते हो। अगर नहीं है प्रॉब्लम तो उसको कम कर सकते हो, या आप फ्लक्चुएटिंग भी रख सकते हो। नोनी जो है वो 10 मिनिमम डालना चाहिए। स्पिरुलिना जो है, ओके, स्पिरुलिना से 15 कैप्सूल बेसिक है, रेगुलर है, तो 10 डाल सकते हो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 15 तक भी आप जा सकते हो। एलोवेरा 10 कैप्सूल और एग्री 82 3-4 ड्रॉप्स। और अगर विरलपना या थिनिंग या टक्कल ये ज्यादा है हेयर का प्रॉब्लम, तो आप उसके अंदर 10 गैनोडर्मा भी डाल सकते हो। प्रोसीजर कैसी है? सबसे पहले आपको पतीले में जो है वो जो ऑयल निकलते, अभी मैं एक नहीं करती, मैं एट अ टाइम मिनिमम मेरा 20 का बैच होता है, मैं मिनिमम 20 बॉटल्स एट अ टाइम बनाती हूँ, बिकॉज मतलब मेरे पास इतना फ्रीक्वेंट रहता है हमेशा। एवरी 8-10 डेज मुझे हेयर ऑयल बनाना पड़ता है और एक बैच मुझे 10 दिन लग जाता है। सो मैं हमेशा 20 का बनाती हूँ जब बनाती हूँ। आप एटलीस्ट 10 का तो बना ही सकते हो। कैसे बनाना है मैं बताती हूँ आपको। ऑयल जो है आपको निकाल के उसको गर्म करना है, जब वो फ्यूम्स आने लगते है, वाफ येला लगते है, उस समय आपको जो है वो गैस बंद कर देना है। फिर उसको जब उस टेम्परेचर तक लाना है उस ऑयल को, जब आप उसके अंदर उंगली जो है वो डुबा सकते हो या टच कर सकते हो उसको, उस टेम्परेचर पे जब आपका ऑयल ठंडा होने लगेगा, उस समय आपने जो भी जो कैप्सूल एक्सट्रैक्ट निकाले हैं उसे हमें उसके अंदर डालना है। गर्म पानी, गर्म ज्यादा अगर आपका ऑयल है तो वो जल जाता है पूरा और वो यूज का नहीं रहता है। सो दिस इज वेयर आपको केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल। वो डाल के फिर आपको अच्छे से हिला देना है, जैसे हम दूध या सब्जी हिलाते हैं वैसे अच्छे से हिला देना है। वो मिक्स करना है बेसिकली, वो ऑयल के अंदर वो एक्सट्रैक्ट जो है वो अब्सॉर्ब होना चाहिए, और जब वो हल्का सा गुनगुना होता है उसी समय सबसे ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट उसके अंदर अब्सॉर्ब होते हैं, तो उसी समय हमें प्रॉपरली जो है उसको हिलाना है। हिलाने के बाद में ऐसे ही रख देना है कवर करके एटलीस्ट 10 डेज। मैं 10 डेज रखती हूँ और रोज रात को जो है उसको वो हिलाती हूँ। उसमें क्या नहीं डालना है उस समय मैं नहीं डालती, दिस इज अगेन माय जो मतलब मेरे एक्सपेरिमेंट है या मेरा प्रूवन रिजल्ट ऐसा ही आया है, तो मैं नीम कैप्सूल उस समय उसमें नहीं डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब मैं बॉटल फिलिंग करती हूँ, ये ऐसे जब बॉटल फिलिंग के लिए लेती हूँ, उस समय मैं एक एक नीम कैप्सूल पंचर करती हूँ टाचनी से, और वो जो है वो उस बॉटल में, पर्टिकुलर बॉटल में डालती हूँ, बिकॉज मुझे इवनली सबको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर मैं इस क्वांटिटी में डाल दूंगी तो वो नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज, उसी समय में एग्री 82 की भी जो ड्रॉप्स है वो बॉटल फिलिंग के समय में एग्री 82 और नीम कैप्सूल जो है वो पंचर करके डालती हूँ, तब उसके बाद में ऑयल फिलिंग जो है वो शुरू कर देती हूँ। और ऑयल फिलिंग करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी, योर चॉइस, कि आप, मैं हमेशा ऐसे कपड़ों से ना उसको छान लेती हूँ, दो ऊपर ने कि वह दो कोई भी सूती कपड़े लेके आप उसको छान लीजिए, बिकॉज वो जो भी वो लगदा होता है जो पाउडर होती है कंटेंट, वो अगर हेयर ऑयल में आती है तो आप जब लगाते हो तो वो इरिटेटिंग होता है। हमें क्या चाहिए, वो एक्सट्रैक्ट चाहिए, हमें वो चौथा नहीं चाहिए। सो वो मैं निकाल लेती हूँ, दिस इज अगेन व्हाट आई फील इज गुड, और उसके बाद में फिलिंग करती हूँ। ये मेरा एक लेडल है जो मुझे पता है कि 8 का बॉटल मध्य मावता। सो आपके हिसाब से आपके घर में भी कुछ है तो वह ले सकते हो, और फिर उसको भी मैं ये ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसे फनेल बोलते हैं या मराठी मध्य नरसाला मनता, वो मैं बॉटल पे रख के फिर फिलिंग करती हूँ, बिकॉज नहीं तो पूरा सब खराब हो जाता है। तो ये कुछ मेरे ट्रिक्स है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ऐसे आप कर सकते हो। और उसके साथ में आप सप्लीमेंट्स क्या दे सकते हो, अगर बेसिक, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, नॉन अफोर्डिंग है, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, एकदम बेसिक हेयर का चैलेंज है, तो हेयर ऑयल के साथ में आप उनको हेयर नेल स्किन का सप्लीमेंट जो है वो दे सकते हो। और उसके साथ में आप अशोर का जो ग्रीन कलर का शैम्पू है, आपके जो बाल जैसे है उस हिसाब से, पर मेजरली मैं ग्रीन शैम्पू प्रेफर करती हूँ।
और बिकॉज हम ऑयल लगाते तो उसके बाद हमें निकालना होता है, ये मेरा बेसिक लॉजिक है उसके पीछे। और हेयर स्पा और मास्क आप हफ्ते में एक बार उनको दे सकते हो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा थिनिंग है, ज्यादा गैप है, ज्यादा यहाँ पे हेयर का प्रॉब्लम है, तो उस केस में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपको पेट में से भी लेना है। क्यों पेट में से सप्लीमेंट्स लेना है? बिकॉज यहाँ पे आप देखो, जो ऑयल आप लगाओगे वो यहीं पे सिर्फ काम करने वाला है, वो अंदर तक नहीं जाएगा। जो अगर बाल दो सेक्शन में है, यहाँ पे जो नीचे वाला जो सेक्शन है वो अलाइव है, ऊपर वाला डेड है, तो यहाँ पे अलग काम करता है, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई है तो यहाँ पे अलग चीजें काम करती है। यहाँ पे हेयर ऑयल शैम्पू काम करेगा, मगर यहाँ पे आप पेट में से जो सप्लीमेंट्स लोगे उसमें से यहाँ पे ब्लड सप्लाई के थ्रू यहाँ पे जाने वाला है जड़ों के पास में, और फिर इसको पक्का करने वाला है, तब आपके हेयर फॉल जो है वो रुकने वाला है। यहाँ पे बहुत जगह पे तो ब्लड सप्लाई ही नहीं होता या फिर वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। क्यों? ये क्योंकि यहाँ पे कमजोरी है ना। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ हमेशा, कि अगर आप नर्सरी का नर्सरी में से हम कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लेके आते हैं, है ना, कोणतापण फुलाचं झाड आणतो, तो हमने क्या देखा है कि नर्सरी में जब वो फ्लावरिंग प्लांट होता है उस समय उसको बहुत अच्छे से फूल आते हैं, 10-12 फ्लावर होते हैं। और वही प्लांट जब हम घर पे लेके आते हैं, हम सिर्फ उसके अंदर पानी डालते हैं, मगर उसको उतना कभी भी फ्लावर्स नहीं आते जितना नर्सरी में वो अच्छा दिख रहा था, घर पे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको पानी डालते हैं, मगर नर्सरी वाला क्या करता है, उसे उस फ्लावर को उसको जो जरूरत है, जो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो सारा वो वहां पे डालता है। उसको धूप चाहिए वो धूप देगा, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए न्यूट्रिएंट देगा, जो उसको मट्टी घुमानी है उसको अंदर जाने, जो भी चीजें उसको न्यूट्रिएंट जरूरी है वो देने वाला है। यही डिफरेंस है, हम अभी जो कर रहे हैं इसकी वजह से हेयर प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ पानी डाल रहे हैं, फक्त तेल लावायचं, साधा तेल लावायचं, आंघोळ करायची, बस ये कर रहे हैं, पानी दे रहे। अगर आपको आपके बालों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको दो टाइप से ज्यादा प्रॉब्लम है तो दोनों तरीके से अगर आप उसको करोगे तो नर्सरी की फ्लावर की जैसे आपके बाल भी बढ़िया हो जाते हैं। सो हम क्या दे सकते हैं? प्रोटीन दे सकते हैं, बिकॉज प्रोटीन केराटिन जो है, हमने देखा कि हेयर का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बना हुआ है, 90% हेयर प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसका बेसिक जो खाद है हमको उसको देना ही पड़ेगा। नहीं ले पा रहे हो तो आप प्रोटीन सोर्सेज डाइट में जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद में है ओमेगा 3 फ्लैक्स ऑयल जो है, जवस। ओमेगा 3 क्या काम करता है, यहाँ पे अगर हमने देखा कि ये जो जड़ है इसको यहाँ पे मजबूत करने का और ये ब्लड सप्लाई बढ़ाने का काम जो है यहाँ पे वो फ्लैक्स ऑयल जो है करता है, और फ्लैक्स ऑयल की वजह से शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है बालों के अंदर। ओके, फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे डिलीवरी के प्रेगनेंसी के समय फ्लैक्स ऑयल लेने के बाद हेयर बहुत शाइनिंग और बहुत थिक हो गए थे, वो फ्लैक्स ऑयल की वजह से होता है। फिर गैनोडर्मा, गैनोडर्मा इज अ मैजिक हर्ब, मैजिक है बालों के लिए। हेयर इज इक्वल टू गैनोडर्मा ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ। गैनोडर्मा क्या करता है, बहुत सारे रोल्स है इसके अंदर। सबसे पहला जो काम गैनोडर्मा करता है वहां पे ये ऐसा है कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। अगर आपके जो बालों का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो हेरिडेटरी की वजह से या फिर कोई आपको मानसिक आघात हुआ है या कोई भी चैलेंज है या मेल पैटर्न बाल्डनेस हो रहा है जेंट्स को, तो वहां पे जो हार्मोन है जिसकी वजह से ये हो बाहर बाल नहीं निकल पा रहा, यहाँ इसको प्रमोट करने का काम जो है, बाल निकालने का काम जो है वो भी गैनोडर्मा जो है वो करता है। उसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है गैनोडर्मा की होती है। दिस इज अ मैजिक हर्ब, ये यूज करना ही चाहिए अगर प्रॉब्लम है। स्पिरुलिना क्या काम करता है, स्पिरुलिना अगेन इसके अंदर मल्टीविटामिन मिनरल्स भी होते हैं और इसके अंदर जिंक होता है, जो जिंक भी यहाँ पे जाके बालों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और बेसिक इसके अंदर आपकी कोई भी डिफिशियंसीज है, B12 डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, कोई कैल्शियम, कोई भी डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, वो सारे इसके अंदर 45 विटामिन मिनरल्स है, जो भी डिफिशियंसी की वजह से अगर आपके बालों का हेयर फॉल है वो कवर कर देता है सारी डिफिशियंसीज, इसीलिए स्पिरुलिना ऐड करना चाहिए। नोनी क्यों ऐड करना चाहिए, नोनी हमारे जो पोर्स है वो ओपन करता है और पोर्स ओपन करने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको, सॉरी, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको यहाँ पे इंटेक्ट करने के लिए जो है वो मदद करता है। अगेन हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी नोनी का काम बहुत अच्छा है। ओके, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी वहां पे वो काम करता है। और हम ऑयल में भी जो आंवला एलोवेरा डालते हैं ना, तो आंवला भी विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ, और एलोवेरा से भी फ्लैक्स ऑयल से थिकनिंग भी बहुत अच्छी होती है बालों की, और आंवला एलोवेरा से जो उसका
जो शाइनिंग है या स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। हेयर एंड स्किन के अंदर हमारे बायोटीन है, बायोटीन इज वेरी गुड फॉर आवर मतलब बालों की जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए, और केराटिन नेचुरली हमारे बालों में बनने के लिए भी हमें बायोटीन की जरूरत है। उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है जो यहाँ पे काम करता है। जो ओवरऑल हम जब ये सारी चीजें देते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि अगर आपके बाल वीक है, जैसे ऐसे है और ऐसे आप खींचते हो, तो खींचने के बाद अगर वो टूट रहे हैं इसका मतलब आपके बाल फ्रेजाइल है। आप ये यूज करते हो, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 1 मंथ भी ये कोर्स के रेगुलर में, रेगुलर आपको हेयर अच्छे चाहिए तो 1 मंथ में भी आपके बाल नर्सरी के फ्लावर के जैसा न्यूट्रिएंट मिलने के बाद में तुरंत वो भी खिल जाते हैं, है ना, अच्छे हो जाते हैं। तो ये बेसिक है जो मैं देती हूँ। ये मेरा सबसे पहले जो है मेरा रिजल्ट कुछ है तो ये सबसे पहले डॉक्टर काप से है। इनका इनका ये चैलेंज था कि बहुत थिनिंग हो रही है। उनका जो नाई है, बार्बर है, वो हमेशा उनको बोलता था तुमचे केस फार विरल होत चालले, पातळ होत चालले, काहीतरी करा डॉक्टर साहेब। एंड डॉक्टर साहेब डिड मेनी थिंग्स बट वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो उस समय इवन आई गॉट वरीड कि कुछ तो करना चाहिए, और रेगुलर अदर ऑयल से वो नहीं हो पा रहा था। फिर ये सब जब किया तो उसके बाद में मैजिकल रिजल्ट है। विद इन 20 डेज आप ये हेयर थिनिंग का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो नोटिसेबल डिफरेंस मुझे विद इन 20 डेज दिखाई दिया। और ये जब मैं कर रही थी तो ये फोटो मैंने अपने लिए ही खींचा था, जस्ट एक रेगुलर, ऐसे में मुझे पता भी नहीं था ये रिजल्ट आने वाला है या कुछ, मगर जस्ट समझने के लिए कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे विद इन 20 डेज, विद इन 15 to 20 डेज मुझे मैक्सिमम रिजल्ट आने हर केस में, उसके बाद में जो है वो शुरू हो गए। दिस इज 1 मंथ। ये लेडी को मैं परसों मिली थी, इसका 3rd मंथ चालू है ये लेडीज का। इतना नोटिसेबल चेंज आ गया है, मुझे नेक्स्ट फोटो मिला तो मैं जरूर शेयर करूंगी। बहुत ज्यादा नोटिसेबल जो चेंज है इनके बालों में आया हुआ है। लेडीज को जनरली कुछ लेडीज है मेनोपॉज के समय में बहुत ही ज्यादा थिनिंग जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, वो ये केस थी, और बहुत ही बढ़िया इनको रिजल्ट आया। ये डैंड्रफ का केस है, विद इन 4 वॉशेस, 4 बार धोने के बाद में ही ये लड़की का जो है डैंड्रफ वो चला गया। और यहाँ पे अगर आपने देखा, वो 1.5-2 साल से वो डैंड्रफ के लिए बहुत परेशान थे, मतलब उन्होंने बाल भी वो लड़की के निकाल दिए थे। आप सोचो, बाल पूरा बाल्ड कर दिया, टक्कल के लो, वो सिर्फ डैंड्रफ की वजह से कितना तकलीफ होती होगी, है ना। तो ये विद इन 4 वॉशेस ये रिजल्ट जो है आपके सामने है। ये बाकी भी ऐसे रेगुलर है, पार्टीशन में लेडीज को जनरली प्रॉब्लम होता है। ये लड़का यूएस से आया हुआ था और उसको हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। मेरे पास बहुत सारे लोग चालू, वो अलग अलग ब्रांड्स के जहाँ पे चालू है ना, नाम नहीं याद आ रहा है, वो एक हेयर का ब्रांड है, वहां पे भी वो जा चुके थे, मगर उनको जो है वहां पे रिजल्ट नहीं आया था। यूएस से आए हुए, मगर हमारे हेयर ऑयल के बाद में यहाँ पे आप नोटिसेबल चेंज जो है विद इन 15 to 20 डेज आप देख पा रहे हो। सो ये ऐसे है रिजल्ट्स ओरिएंटेड हमारे जो है वो सारे प्रोडक्ट्स डेफिनेटली है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि लाइफ इज इन परफेक्ट बट योर हेयर कैन बी। और बेसिकली हमें अभी लोगों को हेल्प करने चाहिए, और हमारा बिजनेस भी है उसकी वजह से बहुत बढ़ सकता है। आप सोचो, मैं 20 बॉटल्स का सेट एट अ टाइम करती हूँ, और मुझे, मैं घर पे बैठती हूँ और घर से मेरे सब ऑयल लेके जाते हैं, मैं कहीं भी जाती नहीं हूँ, इतने उसको डिमांड है। आप समझ पा रहे हो, मतलब मैं हर सिटी में प्रोवाइड कर रही हूँ, औरंगाबाद है, जालना है, धुले है, संगमनेर है, पुणे है, मुंबई है, कोई भी है किसी के रिलेटिव, वो यहाँ पे आके लेके जाते हैं। कल मैंने बिहार को दिया, मतलब ये हम उनको दे सकते हैं, इतना नीड है मार्केट में। तो हमारे पास सोल्यूशन है उन सारे प्रॉब्लम्स का, तो हमें देना चाहिए। और आप आज से टारगेट लीजिए कि मिनिमम 10 हेयर ऑयल का जो है आप जो बॉटल्स है वो आप करने का ठान लीजिए। दिस इज वेरी पॉसिबल। और जैसे डॉक्टर कापसे हमेशा बोलते हैं कि पहले आपको वो इन्वेस्ट करना होगा, पहले आपको बना के रखना पड़ेगा, तो आपको प्रेशर आएगा कि आपको वो सेल करना है। सो इससे ही आपका बिजनेस जो है, अगर मैं 2000+ पीवी पर्सनल इससे कर सकती हूँ हेयर के सेक्शन में, तो आप भी कर सकते हैं। विद दिस आई एम डन, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। मैम थैंक यू सो मच, डॉक्टर रोहिणी मैम बहुत बढ़िया आपने बताया। एंड मेरे यहाँ पे वही रिक्वेस्ट है कि किसी कुछ अगर सवाल है
मैम स्क्रीन ज्यादा बंद कर सकते हैं ताकि कुछ लोग सवाल पूछ सॉरी सॉरी सर थैंक यू सो मच प्लीज किसी का कुछ सवाल है तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं चैट बॉक्स इनेबल तब चाहे तो टाइप करके चैट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं या आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं कुछ लीडर्स अगर कुछ बात करना चाहता है एंड किसी को अगर रिजल्ट जनरेट हुआ है थ्रू हेयर ऑयल से तो भी आप शेयर करना चाहें तो भी शेयर कर सकते हैं अभी अविनाश है अविनाश मामूकर जी ये अविनाश अपना अगर रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं अविनाश सर तो आप प्लीज शेयर करें मैथ्यू सर बता रहे हैं मैम एक हेयर ऑयल बॉटल का अप्रोक्सिमेट कितनी कॉस्ट जो आपने बताया पूरा ओवरऑल जो मैंने निकाला है अप्रोक्सीमेटली एमआरपी से जो कॉस्ट है वो 550 तक जाता है देन एवरीथिंग इज एल्स इज अप टू यू उसके बाद ओके और दिन में कितना बार यूज करना चाहिए लोग पूछ रहे हैं एक बार दो बार हाँ मैं जो बताती हूँ ओके मेरा वो रह गया सबसे पहले मैं क्या बोलती हूँ कि आपको जो ऑयलिंग है वो रात को करना चाहिए रात में रिजुविनेशन ज्यादा होता है रात को करना है अगर आज ऑयलिंग किया तो कल मैं सुबह नहाने वाली हूँ हल्के से गुनगुने पानी से और कंडीशनर या हेयर स्पा मास्क लगाने वाली हूँ उसके बाद एक दिन छोड़ दूंगी और तीसरे दिन वापस से मैं हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि मंडे किया वेनसडे किया वापस सैटरडे करो एटलीस्ट तीन टाइम नहीं वर्किंग में पॉसिबल है तो मिनिमम दो टाइम अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप दो टाइम जा सकते हो बट अगर प्रॉब्लम है तो एवरी अल्टरनेट डे इज द बेस्ट सोल्यूशन बिकॉज और अगर जेंट्स है उसके ऊपर का मैं बोलती हूँ अगर जेंट्स है लेडीज को पॉसिबल लेडीज के लिए ये बेसिक था जेंट्स है तो मैं हमेशा बोलती हूँ आपके स्काल्प के ऊपर वो ऑयल होना ही चाहिए जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ रहा बिकॉज कॉन्स्टेंट वो जा सकता है वहां पे न्यूट्रिएंट वो बेटर होता है यस सर ओके और दूसरा सवाल सप्लीमेंट कितना दिन लेना चाहिए जो सप्लीमेंट आपने जो बताया सप्लीमेंट्स अभी मैं कैसे रखती हूँ कि मिनिमम मैं 3 to 4 months बोलती हूँ मगर कभी कभी लोग अफोर्डिंग नहीं होते हैं तो उस समय में आप उनके हिसाब से भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हो मगर जरूरत है बालों के लिए 3 to 4 months लेना चाहिए राइट ओके कुछ वाइड हेयर के लिए भी इसका रिजल्ट है क्या हाँ मैं क्लेम नहीं करती हूँ मगर मेरे घर में ही रिजल्ट आया हुआ है मेरे ससुर जी जो है उनको वो डाई नहीं करते मगर अपना मेरी 3 साल की बच्ची से लेके 75 years तक के ससुर सारे मेरे घर में यही यूज करते सो इट इज सेफ सेकेंड थिंग उनका उनको आया हुआ है ब्लैक कलर उनके बहुत सारे जगह पे आया हुआ है मगर ये बेसिकली स्पिरुलिना नोनी गैनोडर्मा इनकी वजह से जो है वो ग्रेइंग इफेक्ट कम होता है मगर मैं ये क्लेम नहीं करती हूँ और आप भी मत क्लेम कीजिए मैम बच्चों को आप क्या सजेस्ट करते हैं सप्लीमेंट में मतलब अगर छोटे बच्चे हैं बच्चों को जैसे एक केस थी हमारे पास में वो 4 महीने का बच्चा था उसको भी वो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट रहता है देखो जाता नहीं है उसको भी हमारे हेयर ऑयल में नीम कैप्सूल डाल के अगर आप अप्लाई करते हो और यूज करते हो तो भी चलता है और बच्चों को सप्लीमेंट्स में मतलब मैं जो देती हूँ वो इनविगो देती हूँ कोलेस्ट्रम देती हूँ ये बेसिक दो चीजें मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ क्योंकि उसके अंदर से उनको जो चाहिए DHA प्रोटीन है ओमेगा 3 है विटामिन मिनरल्स है वो सारी जो रिक्वायर्ड चीजें वो आ जाती है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर किड्स बिल्कुल बिल्कुल मैम सब सप्लीमेंट एक साथ लेना चाहिए यानी सारे सप्लीमेंट एक साथ लेना चाहिए नहीं ऑब्वियसली सारे सप्लीमेंट एक ही साथ लेना चाहिए राइट आपने जो बताया यस तो ये वो काम करेंगे हर एक का मैंने आपको रोल एक्सप्लेन किया हर एक का रोल अलग है इसीलिए वो हमें जो है वो देना चाहिए तभी आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है और अगर कुछ सवाल है तो फ्रेंड आप पूछे हेयर कटिंग स्मूथनिंग करवाने के लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए हेयर अगर स्मूथ करना है किसी को हाँ एलोवेरा आप डाल सकते हो ना आमला एलोवेरा मैंने आपको बताया आपके हेयर ऑयल के अंदर आप आमला एलोवेरा आमला और एलोवेरा डालिए उससे जो है वो उसका शाइन जो है मेंटेन होता है उसका आउटिंग कवरिंग जो मैंने आपको थर्ड लेयर बोला था वो अच्छा हो जाता है और उसके अलावा आप हफ्ते में एक बार हेयर स्पा और हफ्ते में एक बार हेयर मास्क जो है वो आप आफ्टर शैम्पू 15 minutes मसाज करके रखिए वो यूज कीजिए उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है फॉर हेयर अगर आप हेयर ट्रीटमेंट भी करवा चुके हो आपका डैमेज हेयर है अगर आपके स्ट्रेटनिंग पर्मिंग या फिर हेयर कलरिंग की वजह से डैमेज हुए है बाल तो उसे वहां पे भी वो फ्रीजी खराब
स्ट्रक्चर होता है वहां पे भी आप ये लगाते हो तो आपको तुरंत अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल मैम, बहुत वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहिणी मैम, अपने बहुत बढ़िया फिर भी लोगों के सवाल खत्म नहीं हो पा रहे। डर्नो रोल यूज फॉर मेन यूज फॉर अगर किसका सवाल में सवाल आ रही है योर इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे कुछ लाइव टेस्टिमोनियल भी है जो अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना रिजल्ट तो प्लीज शेयर करें। तब तक लोगों के सवाल भी चालू रहेंगे, तब तो ब्रेक भी मिलेगा मैडम को। तो डॉक्टर मिश्रा अविनाश है, अविनाश अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपना रिजल्ट तो आप प्लीज शेयर करें। आपने जो बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया और सारे जो सवाल थे, एक साइंटिफिक रीजन और एक डॉक्टर जब बताता है तो बहुत सारी चीज जो है ना वो बहुत सारी क्लियर होती है और उसको एक साइंटिफिक प्रूफ भी मिल जाता है मैडम। जैसे कि हम लोग मार्केट में देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहते हैं, इफ्स एंड बट्स रहते हैं, लेकिन इस तरह का आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ उससे बहुत ही रिजल्ट तो मिल रहा था लेकिन उसको जो पीछे का जो साइंस था ना वो आज क्लियर हो गया मैडम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मैं अपना टेस्टिमोनियल देना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि एक आफ्टर सर्टन एज जेंट्स के तो बाल थोड़े थोड़े गिरना चालू हो जाते हैं और मेरे भी बालों के बारे में वैसे ही था, तो थोड़ा सा बोलते हैं ना बहुत ही पतले थे बाल और उसके लिए हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहा था नॉर्मली। मैं बोला अभी 40 एज हो गया तो उसके ऊपर तो जाने के बाद तो डेफिनेटली गिरना ही है, लेकिन जैसा ही हमारे हेयर सप्लीमेंट का हम लोगों ने रिजल्ट देखा तो मेरे घर में भी मेरी वाइफ है बच्ची है तो उनके भी हेयर फॉल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट करना चाहा, बोले तुम्हारे ऊपर अगर रिजल्ट आते हैं तो हम लोग डेफिनेटली हम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैडम बिलीव करते हैं, मैं वो बिलीव करके मैंने स्टार्ट करवाया, विद इन वन मंथ के अंदर बालों में बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखने लगा, मतलब जो बाल मुझे एक्सपेक्ट नहीं था एक आने वाले एक दो साल में शायद मेरा मतलब बाल होना, बाय डिफॉल्ट में मन में ही सोच रहा था कि ये हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला और अच्छे बाल और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, मतलब बाल जाने के पीछे का दुख जो रहता है जो बोलते हैं ना एक जेंट्स के लिए भी एक रहता है कि अगर समझो बाल होता है तो वो बहुत दुख भरी रहती है कहानी, लेकिन इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और फीलिंग भी बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया मैडम। इस पर पूछना चाहता हूँ यहाँ पे जैसा हम लोग ये सप्लीमेंट वाला हेयर ऑयल बनाते हैं तो हमारे हेयर ऑयल के ऊपर जो लेबल रहता है उसके ऊपर जो MRP का कॉस्ट है अलग है और हम लोग जैसे बताते हैं 450 जो भी चीज बताते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो उसको किस तरह से टैकल करना है या क्या बताना है वो? एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है बट आपने मतलब आपके अपलाइन से ये क्वेश्चन ज्यादा आंसर्ड बेटर है, मैं बताऊंगी तो आई डोंट नो क्लैशेस हो सकते हैं शायद से। मेरा एक्सपीरियंस जैसा आपका है वैसा भी मेरा ये था कि बॉटल पे अलग लिखा हुआ है, आप अलग क्लेम कर रहे हो, सो उनको मतलब मेरे तो अलग अलग रिव्यूज आए हैं, ये एक था। दूसरा ऐसा था कि आपने सच्ची में इसके अंदर कुछ डाला है क्या, हमें कैसे पता चलेगा, कुछ भी पूछते हैं लोग पूछने ही वाले हैं हमको कुछ भी चीजें, मगर हमें मैंने तो फिर डायरेक्टली बोल दिया था कि आप वो ऑयल का बॉटल मुझे वापस भेज दो, तुरंत भेजो, मैं कुरियर चार्जेस देती हूँ, ये मैंने उनको जब बोला तो इमिडिएटली उसके बाद 2 orders आई है। सो वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, हमने इतने हम लोग इतने मतलब केयर कर रहे हैं उनको, जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से सारा बना रहे, एंड बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, आप बना के देखो 20 bottles एक टाइम में, वो कितना टाइम लगता है एक एक कैप्सूल निकाल के वो सारी चीजें 10 days करने में। सो वी आर क्लेमिंग वो जो भी आप प्राइस कोट करने वाले हो वो प्राइस इज वर्थ इट एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, फिर आप यही बोलना चाहिए, मतलब मुझे तो और मैंने बंद कर दिए, वो मुझसे हैंडल नहीं होता है अभी, ना फेसबुक पे डालती हूँ ना व्हाट्सएप पे डालती हूँ, मुझसे वो स्टेटस पे ही हैंडल नहीं हो पा रहे, उसके आगे मैं जाती हूँ, मैंने डॉक्टर कब से को भी, उनको भी बोला था आप आपकी स्टेटस पे रखो, फिर मैंने बोल दिया मत रखो अभी मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेटस पे रखा था सर और कुछ नहीं किया था मैंने मतलब। और अगर किसी मतलब जो मैंने आपको टारगेट ऑडियंस बताई है, अगर आपकी फ्रेंड है ना वो भी मैं बात करती हूँ, जैसे है कि किसी के हेलमेट पहनने के बाद आते हैं हमारे घर में, हेलमेट निकाल के रखते और बोलते हैं कि प्रॉब्लम हो गया चप्पल डाले, बात करना शुरू, तुरंत हमें उनका जो नीड है वहां पे वो पकड़ना चाहिए। कोई है बोल रहा है B12 का इंजेक्शन लिया हुआ है तो आप सामने से पूछो कैसे करता है इसका, मैंने आपको सारे प्रॉब्लम जो है टारगेट ऑडियंस बता दी ऑलरेडी,
उसी में उनको ही आपको सवाल पूछने हैं, ये प्रॉब्लम है तो इसमें आपको हेयर फॉल हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास में है, बाकी चीजों के लिए डॉक्टर है। यस सर, क्या बात है मैम, अमेजिंग, बहुत बढ़िया बताया आपने। यस आतुर सर, कुछ पूछना है आप लोगों को, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क डॉक्टर सत्यजीत फुले? लोगों ने हैंड रेज किए हैं। यस सुधा जी है, प्रिया मैडम है, आपने हैंड रेज किया, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम ये पूछना चाह रही थी, मैंने मैसेज डाला था लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। जिन लोगों ने कैरेटिन और स्मूथनिंग करवा रखा है राइट पार्लर पे, तो उन लोगों को कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कभी बाल झड़ने के हो गए या दो मुहे हो जाते, तो वैसे कंडीशन में उन लोगों को क्या, मतलब की पार्लर में जाकर वो लोग ना अपने ही ब्रांड का शैम्पू देते हैं कि ये ज्यादा अच्छा होगा आपका और लॉन्ग टाइम आपका कैरेटिन और स्मूथनिंग चलेगा, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को किस टाइप का सप्लीमेंट और ऑयल का, स्पा का, मास्क का, किस तरीके से उनको सजेशन देना है, ये पूछ। सबसे पहले मैडम, आप जब वो आपकी फ्रेंड आती है और वहां पे उससे स्ट्रेटनिंग किया, तो पहले तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करो, बिकॉज उसने पैसा खर्च किया है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट करो। सेकेंड थिंग, आप वो जब बोलती है केस छाने पण ते राड झाले रफ झाले गळता ते देन दिस, तुला काही प्रॉब्लेम नाही झाला का हे सगळं झाल्यानंतर ट्रीटमेंट? हो होतोय प्रॉब्लेम, हेअर फॉल अँड ऑल दिस इज गोइंग ऑन। सो देन यू से की अच्छा मग त्याच्यासाठी काय केलं? नाही, पार्लरवालीने ते शॅम्पू आणि ते सगळं दिलं। अच्छा मग कधीपासून वापरते? 15 दिवस झाले, तरी फरक नाही पडलाय का? ठीक आहे, माझ्याकडे एक ऑप्शन आहे तुझ्याकडे, तुला ट्राय करायला आवडेल का? ओके, देन यू गिव्ह हर हेअर स्पा दो, हेअर मास्क दो, ओके, और एव्हरी अल्टरनेट। मेरे पास वो वाली केसेस भी चालू है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। और दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगी, तो उनको एक बताना, जो आउटर कवरिंग मैंने समझाया था ना आपको, वो सारा डैमेज हो गया उनका, वो है ही नहीं वहां पे, इसीलिए सारा प्रॉब्लम चालू है। जब आप हेयर स्पा मास्क दोगे, वो कवरिंग का जो है वो काम कर देता है, एकदम मिनिमम वहां से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर वो ले पाते हैं तो उनको सप्लीमेंट्स में मिनिमम आप उनको जो है प्रोटीन अगर दे पाते हो, फ्लैक्स ऑयल दे पाते हो, तो वहां पे काम बहुत अच्छा हो जाता है। यस मैम, एक और क्वेश्चन था, हेलो, वो ये पूछी थी मैं कि मेरे हस्बैंड का काफी अच्छा रिजल्ट आया है ना, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो बाल तो आ रहे हैं लेकिन क्यों स्लो हो रहे हैं, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, साथ में वो तेल का शैम्पू का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, वरना ग्रोथ ना बहुत थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो ऐसा उनके हेयर का प्रॉब्लम है या उनके कुछ उसका मतलब और कुछ उसके साथ ऐड करना चाहिए क्या? अभी जो मैंने बताया उस हिसाब से आप हेयर ऑयल कीजिए और देन यू सी दैट चेंज, और जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बताई वो भी आप कीजिए, तो आपको चेंज जो है वो आना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली आएगा। थैंक यू सो मच। और कुछ सवाल है? नवना जाटकर आप लोगों ने पूछा, दीपाली मैडम है, जितेंद्र मिश्री, आप शॉर्ट में पूछ सकते सवाल, शायद अगर डबल रिपीट हुआ तो। हेलो मैम, मैम ये डर्मा रोलर 3-4 लोगों को सजेस्ट किया है सलोन वालों ने, इज इट कंपलसरी या हमारे इसमें से पोर्स ओपन हो जाएंगे स्कैल्प के, कि डर्मा रोलर कंपलसरी है जेंट्स को? मैडम नोनी भी वही काम करता है ना, पोर्स ओपन करने का काम अंदर से करता है वो डर्मा रोलर ऊपर से करेगा, हम आपके पोर्स को अंदर से ही काम कर रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं? जहाँ पे वो ब्लड जो है वो अपटेक लेना है वहां पे काम कर रहे हैं। और आई वुड सजेस्ट कि नोनी इज अ बेटर ऑप्शन देन दैट। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हेलो, प्लीज आवाज आपकी आ रही है। ओके ओके, गुड मॉर्निंग रोहिणी मैम, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। आपने सही कहा, ये बॉटल बनाने के लिए काफी मेहनत लगता है, मैं भी महीने का 10-15 बॉटल बेचता हूँ, और आपने बहुत अच्छे से कहा कि मतलब बहुत सारा मेहनत करने के बाद बहुत सारे सवाल वगैरह आते हैं, बट ये सवाल क्यों आते हैं पता है, मतलब मैंने ये अब हमारा जो इनोवेशन है इवनिंग टीम का या वेस्टिज का जो इनोवेशन है ना, मैं बिल्कुल सस्ते में नहीं बेचता, मेरा एक बॉटल बिकता है 1900 रुपए में, तो सवाल अपने आप कम हो जाते हैं। बाप रे। हाँ, अगर मेरा जो टीम मेंबर है मैं उनको 400 रुपए में ही देता हूँ, बट टीम के बाहर जो क्लाइंट्स है
उनको अगर चाहिए तो मैं 1900 रुपए के नीचे और 500 रुपए का अपना हेयर ऑयल का मतलब हेयर नेल का जो अपना कैप्सूल है वो, तो सवाल बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, वैल्यू कम हो गया ना तो मन में डाउट्स बहुत आ जाते हैं मैडम हर चीज का। और इसका वैल्यू है, इसके रिजल्ट्स है, एक्चुअल रिजल्ट्स है जो हमने देखे है। और एक बार बेचने के बाद ना आपको इसके एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बंदा जो एक्सपीरियंस लेता है ना वो खुद ही 8-10 लोग आपके पास लेके आता है। और फिर कोई सवाल जवाब नहीं होते, क्योंकि उसके बाल सामने दिखते रहते हैं, उसके जो पहचान के लोग हैं उसने उसको देखा रहता है, वो बाल ढोआ था, उसके बाल झड़ रहे थे और उसके बाल आ गए, वो रिजल्ट सामने रहेगा, तो कोई सवाल जवाब नहीं होता है मैम। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर। एंड में थोड़ा सा समय, 1900 में ओनली बॉटल और 500 रुपए का अलग से वो कैप्सूल। अरे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका। कोई भी चीज को आप अंडर वैल्यू करके देखिए, इसका कंटेंट मतलब जो प्रोडक्ट का वैल्यू वो छोड़ दीजिए, इनोवेशन रिजल्ट उसका वैल्यू है कि नहीं? और हमारी मेहनत भी तो है, वो एक एक कैप्सूल फोड़ के डालना, 20-20 बॉटल बनाना काफी टाइम जाता है मैम, वो उसका कुछ वैल्यू है कि नहीं? और ये आइडिया मतलब मार्केट में इतना बढ़िया प्रोडक्ट कौन देगा? साला वो बत्रा के पास जाएंगे तो एक विजिट का वो 2500 लेता है। आप लेडीज लोग जब पार्लर में जाते हो तो 2000 रुपए के नीचे कभी बाहर आए हो आप? नहीं आए हो। रिजल्ट क्या है? बाहर आने के बाद आधे घंटे में आपका चेहरा जैसे था वैसे ही हो जाता है। तो why should we undersell our product? ये मेरा कहना है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ये फॉलो करो, बट मैं ये फॉलो करता हूँ एंड आई एम सक्सेसफुली फॉलोइंग इट। मेरी पूरी टीम जानती है कि मैं 1900 रुपए के नीचे बेचता नहीं हूँ। मैं 2000 रख सकता था, बट वो 2000 फिगर थोड़ा सा रोज ही लगता है। ऑलवेज कीप मतलब वो बाटा का सिस्टम है ना, 99.99, वो सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ, तो 1900 रुपए इसलिए रखा हुआ है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विजय सर। मैम लास्ट में आखिर लोगों के सवाल वही आता है, जैसे आपने बताया कि एक मतलब सब लोग इसीलिए इंटरेस्ट लाए, 400 से ज्यादा लोग है सुबह सुबह जूम इन में, एंड उनका वही पर्पज हमें बिजनेस को बढ़ाना है थ्रू हेयर ऑयल, एंड सबको वही कहीं ना कहीं टारगेट, जैसे आपने बताया कि आप 2000 रुपए का बिजनेस लगभग हेयर ऑयल के ऊपर करते हैं, तो आज अगर कोई लोग नए लोग हैं आज, उनको अगर हेयर ऑयल के ऊपर काम करना चाहिए करना है तो उनको इनिशियल पे क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इनिशियली 6 बॉटल से स्टार्ट करो, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप इनिशियली 6 बॉटल से स्टार्ट करो। और मैं तो बोलती हूँ अगर आप कंसिस्टेंसी कर रहे हो ना, तो कंसिस्टेंसी में ही 3 के प्रोडक्ट्स लो, क्योंकि मैंने शुरुआत में सारी कंसिस्टेंसी यूज करके सारे प्रोडक्ट्स लिए थे, सो 100% प्रॉफिट किया था मैंने। मगर आप मिनिमम 6 से स्टार्ट कर सकते हो, बट ग्रेजुअली आप, आई वुड सजेस्ट कि आप टारगेट कीजिए कि एटलीस्ट 10 बॉटल पर मंथ आप निकाल रहे हो, मिनिमम 10 बॉटल पर मंथ। मगर मैं उससे ज्यादा करती हूँ बहुत, मतलब महीने में मेरे 60+ से ज्यादा ही बॉटल हो जाते, 60+ ही होते हैं ऑलमोस्ट हमेशा, क्योंकि उसके साथ में आपको सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं ना, वो भी सारी चीजें रहती है। और जब आप देते हो तो ऑलमोस्ट 5,500 के आसपास होता है, जब जो मैंने आपको सीवियर के लिए बताया था उसका रेंज ऑलमोस्ट 5,500 के आसपास होता है, 125-150 पीवी के आसपास होता है। सो ऐसे अगर आपके 10 कस्टमर है तो 1,500 पीवी हो गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं सारे लोगों से चार्ट बॉक्स में इनेबल करके रखा हुआ है, तो इनिशियल वी आर टेकिंग गोल किया, एटले हम लोग 10 बॉटल तैयार करके, कितना तैयार है तो आप चाहे तो चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम यस आई एम रेडी विद 10 बॉटल्स। एंड बहुत से लोगों ने बनाया हुआ है, कई से लोग हमारे ग्रुप के अंदर लोग ऐसे जो 20-25 बॉटल एवरी मंथ निकालते हैं, राइट? तो मैं चाहता हूँ आप यस आप चार्ट बॉक्स में लिखे, मतलब चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कितने बॉटल बनाने के लिए रेडी है करंट मंथ में। एंड वी हैव ऑल्सो कंसिस्टेंसी ऑफर, हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफर भी है। एंड यस डॉक्टर आशमी लिखा, यस आई प्रिपेयर 6 बॉटल्स। फ्रेंड आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, कलावती मैडम डॉक्टर सर। कुछ लोग पूछ रहे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा क्या? नहीं अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज अगर अवेलेबल करेंगे तो ध्यान से नहीं देते हम, बाद में इसके अवेलेबल कराएंगे। बिल्कुल, ये 7 बॉटल डॉक्टर सारिक मैडम ने बताया। आप फिर चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने कितने बॉटल बनाने का गोल सेट किया, बिकॉज आपका गोल रहेगा तभी आप अचीव कर पाएंगे। एंड अपने इसमें गोवा ट्रिप भी है, आप गोवा ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं, एक फंटास्टिक रिजल्ट है हेयर ऑयल का, तो आप देख सकते हैं डोनर जाड़कर 20 बॉटल। सो आई एम श्योर कि सारे लोगों के सवाल के जवाब आपने मिले होंगे, आई एम राइट। एंड डॉक्टर रोहिणी मैम वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया एंड बहुत कम समय में बहुत इन्फॉर्मेशन बताया, बहुत बढ़िया बताया एंड पॉइंट टू पॉइंट बताया कि किस चीज़ की हमें जरूरत है। एंड आई एम श्योर कि सारे लोग हेयर ऑयल यूटिलाइज करेंगे, एज वेल एज सारे लोगों को शेयर भी करेंगे, राइट? आप देख सकते हैं आज जो भी आप बॉटल बना रहे हैं फ्रेंड, उसका फोटो निकाल के ग्रुप में डालें, सारे ग्रुप के अंदर डालें, स्मिता बागल, जिग्ना मैडम,
I usually 10 bottles in this month. Vishal sir, hand raise. Yes, Vishal sir, कहाँ है? Yes, second. Vishal sir, Goa, Gujarat tour में, and हमको invite कर रहा है Vishal sir. Yes, Vishal sir, मैं इनको host बना देता हूँ. Yes. Yes, Vishal sir, please. Mr. Ramo sir, voice audible? मेरा voice आ रहा है. हाँ जी. Yes. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रोहिणी मैम, आपने एक कॉल पे हमें मतलब आपका टाइम दे दिया. और रियली एक्चुअली हाफ एन आवर मेरा स्कीप हो चुका था, मैं एक्चुअली गाड़ी में सोया था, थोड़ा सा लेट हो गया था. तो मोर देन मतलब 4 बजे से लेकर अभी जस्ट 7 बजे तक हम लोग गाड़ी में ही सोए थे, बहुत लेट हो गया था. तो एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन. मुझे स्टार्टिंग का कुछ मुझे पता नहीं है कि क्या टॉपिक हो चुका था, बट जो हमारे हेयर ऑयल का था रिजल्ट, हेयर ऑयल का जो कैसे बनाना क्या बनाना वो आपने गाइड किया था, राइट? हमारे प्रमोद सर वही था टॉपिक हमारा, राइट? मैं अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही कनेक्ट हुआ है कुछ लोगों के सवाल जवाब पे. मैं आपको बता दूं कि एज अ डीसीडी मैं भी कम से कम मैं बताऊं घर में हम लोग दोनों ने मिलकर कुछ 15 बोतल बनाई थी और मैं 10 बोतल में लेकर आया था गाड़ी में. अभी भी मेरे ख्याल से गाड़ी में है बॉटल शायद, ये रही मेरे पास मोर देन 10 बोतल लेकर आया था. ये पूरी बैग में बॉटल है. मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग लीडर सोचते हैं कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे बनाना नहीं था, अभी तक बॉटल मेरे पास बनी पड़ी हुई है. मोर देन मेरे पास अभी कुछ ज्यादा नहीं, 4 बोतल पड़ी होगी, मैंने मेरी गाड़ी में रखा हुआ है बॉटल्स बना के. तो इम्पोर्टेंट ये है कि लीडर हम लोग खुद बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो हमारे पे डिपेंड करता है, राइट? अगर आप जो भी अगर बिजनेस को अगर एज अ करियर कर रहे हैं और हम लोग को चाहता है कि ये महीने में हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हमें खुद हम लोगों को प्रमोट कर पाए, हम खुद लोगों को दे पाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम किसी कस्टमर्स को ही दे. हमारी टीम में भी कोई ऐसे लीडर है जो 10-20 बोतल नहीं बना सकता, 5 बोतल नहीं बना सकता, हम उसको 1 बोतल तो उसको शेयर कर सकते हैं. आफ्टर दैट रिजल्ट, उसको रिजल्ट आने के बाद वो बंदा खुद हमें बताएगा कि नहीं इसको कैसे बनाना बताओ. तो हमें हमारी टीम में भी बनाना है, बोलना है कि भाई आपको इस तरह से बनाना है. पूरा मटेरियल अभी आपने मीटिंग में देखा कि क्या क्या मटेरियल लगता है बनाने के लिए और कैसे बनाना रहता है. तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे लीडर ने मैसेज पे भी चैट पे उसमें पढ़ रहा था कि हमने 10 बनाएंगे 15 बनाएंगे, उसके पहले भी उन्होंने बनाया, जैसे विजय काले सर ने बनाया कि हम लोग ऑलरेडी बना के हम लोग भेज रहे हैं, राइट? डेफिनेटली रिकॉर्डिंग अगर रहेगी तो हमें भेज देंगे, पर रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो लाइव कभी नहीं देख पाओगे. और मैं आज तक बता दूं कि हमारे एजुकेशन ग्रुप में इतनी सारी रिकॉर्डिंग कितने लोगों ने देखी. और मैं रियली थैंक्स कहता हूँ ऑल लीडर्स का और स्पेशल कहता हूँ डॉक्टर रोहिणी मैम का कि हमें एक कॉल पे आपने टाइम दिया और आपने ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हमें शेयर की. और मैं सभी लीडर से बात कर रहा हूँ आज ग्रुप में, जो भी 350-400 लोग हैं, एवरी सैटरडे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को ग्रुप प्रमोट करना है. हम कोई ना कोई बड़े बड़े स्पीकर्स को इन्वाइट करेंगे और कुछ ना कुछ बेस्ट इन्फॉर्मेशन ला है जहाँ हमारे साथ प्रोडक्टिविटी और हमारी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, राइट? तो थैंक यू सो मच रोहिणी मैम एंड प्रमोद सर, लतिका मैम, ऑल लीडर्स. तो हैंड ओवर टू यू प्रमोद सर. यस वन सेकंड मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहिणी मैम, आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्म मुझे बताया एंड हम सारे लोग इसको यूटिलाइज करेंगे, सारे लोग हेयर ऑयल को बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे, राइट? तो वन सेकंड सारे लीडर के तौर पे हम थैंक यू कहना सो मच कहना चाहेंगे एंड हम यहाँ पे सेशन यही एंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच. प्रमोद सर प्लीज बोलिए. प्रमोद सर 1 मिनट सर. हाँ जी हेलो. यस प्लीज बोलिए. हाँ सर, जाते जाते जस्ट यार था 30 सेकंड्स. लीडर्स हमारे मुंबई टीम के लिए अगले 2 दिन बहुत बड़े हैं क्योंकि अनूप सर खुद आ रहे हैं मुंबई के वेरियस पार्ट्स में. आज शाम को वो पनवेल पे भी आ रहे हैं. तो जो भी न्यू मुंबई में रहता है आपको सबको इनवाइट है कि आप जरूर ये सेशन में शामिल हो जाइए. मुंबई के विविध जगहों पे उनके सेशन अगले 2 दिन होने जा रहे हैं, तो आप जहां पर भी रहते हो, आपके नजदीकी जो भी जगह हो, आप उसका फायदा जरूर उठाइए. थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर फॉर अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच. अनुसर के सेशन जैसे विजय सर ने बताया आपने, तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो वन सेकंड थैंक यू सो मच लीडर्स एंड विश यू वेल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.